सोमवार से गुरुवार तक के हर एपिसोड में आई चार चार गो मेम साहब। हर एपिसोड में भइल जबरदस्त जंग, लागल ज्ञान के बाजी, मस्ती भरल गेम और मजेदार डांस के लागल तड़का। साथ ही साथ इनाम के भी भैल बौछार। बेमिसाल कंपटीशन के बाद मिल गईली चार गो मेम साहब नंबर वन। आज बात चारों मेम साहबों के बीच शुक्रवार के महा मुकाबला। आज हमने के मिल जाई है वीकली मेम साहब नंबर वन, जे सीधे पहुंच जाई है क्वार्टर फिनाले में। ता शुरू कर जाओ बिग मेम साहब सीजन 8। कुछ तक कहा तनी प्यार से, कहे तू न जालू अपना यार से। कहो तो उठा ली जिंदगी के बोझा, सब धन खाला रहा नजरी के सोझा, सब धन खाला रहा आँखियों के सोझा। नमस्कार, प्रणाम, शर्मा थे भोजपुरिया सम्मान, हम है राउर दुलारा विनय आनंद। आप सबके स्वागत बा आपके अपन शो में, शेखर नाम बा पार्ले मजेलो फ्रूट जेली बिग मेम साहब सीजन 8 एग्जिबिटेड बाय डाबर रेड पेस्ट। संघर्ष में लोग अकेले होते हैं, सफलता में जग साथ होता है। जिस जिस के सपने पर ये जग हंसा है, उसी के सपनों ने इतिहास रचा है। सपने के हकीकत के जमीन पर लाके इतिहास रचे के वक्त आ गए बा। कहे कि आज बा बिग मेम साहब के पांचवा हफ्ता के वीकली फाइनल महा मुकाबला। आज होई वीकली मेम साहब नंबर वन खातिर खिताबी जंग। जे जीती ओ पहुंच जाई है सीधा क्वार्टर फाइनल में। तो जोरदार थालियों के साथ स्वागत करी हमनी के चारों मेम साहब लोग के, आई परिचय लिहल जाए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं कानपुर से आई हूँ। मेरा नाम मधु यादव है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश, मैं पटना से। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंह, रायपुर से। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग तो जानते ही हैं कि अब महा मुकाबला होने वाला है और कड़ी जंग है क्वार्टर फाइनल की, और आप चारों मेम साहब एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं और असली धुरंधर तो सामने हैं कमलेश जी। तो आप क्या कहेंगी कमलेश जी? मैं इन तीनों को बेस्ट ऑफ लक कहूंगी। ओ तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी चारों मेम साहब जोश में हैं और बहुत सही समझती हैं, इन्हें पता है कि महा मुकाबला है और क्वार्टर फाइनल में जाना इतना आसान नहीं है। चारों बहुत टैलेंटेड हैं और होने वाली हैं कांटे की टक्कर। तो आइए इस कांटे की टक्कर को सामने लेकर आते हैं और शुरू करते हैं हमारा राउंड, जिसका नाम है जोर लगा के हईशा। तो हमारी चारों मेम साहब तैयार हैं खेलने के लिए जोर लगा के हईशा, और मैं बता दूं आपको करना क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस बाउल में है कॉटन बॉल्स यानी रुई, और उसके बाजू में जो छोटी कटोरी है उसमें है पेट्रोलियम जेली। तो आपको करना ये है कि बिना हाथ लगाए वो वैसलीन को थोड़ा सा अपने नाक में लगाना है, छूना है, और उसके बाद इस कॉटन बॉल पे ऐसे नाक को छू के और बिना हाथ लगाए इस कॉटन बॉल को नाक से चिपका के इस बाउल में फिर बिना हाथ लगाए हिला के गिराना है। और ये ध्यान रखना है कि ये बिना छुए ये इसमें गिरना चाहिए और इससे बाहर भी नहीं गिरना चाहिए। तो जो मेम साहब एक मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन बॉल के बिना छुए उस बाउल में
पहुंचा देंगी वो बन जाएंगी इस खेल की विजेता। और यही नहीं, जो विजेता बनेगी उन्हें मिलेगा ये प्रेस। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो आइए मैं सबसे पहले बुलाता हूँ पूजा जी को। आइए पूजा जी। पूजा जी तैयार हैं आप? और हाँ, एक बार में एक ही कॉटन को पहुंचाना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वाह 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 वाह। ओ ओ ओ। कोशिश करी और लगाइए जली। अरे। वेरी गुड। लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए। बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड। वेरी नाइस वेरी नाइस। वेरी गुड। और समय समाप्त। आइए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी मेम साहब ने 3 कॉटन बॉल्स को वहाँ पहुँचाया है। बढ़िया से जोरदार तालियाँ। तो आइए अब बुलाते हैं मधु यादव जी को। आइए मधु जी। मधु जी तैयार हैं? बिल्कुल। आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है मधु जी, वाह वाह, जरा भी समय वेस्ट नहीं किया है मधु जी ने। वेरी गुड। क्या खूब खेल रही हैं आप। ये मधु नाम की महिलाएं बहुत कमाल होती हैं। हमारी जज भी आने वाली है मधु। क्या बात, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और समय समाप्त। मधु जी आपने तो कमाल कर दिया। मैं गिर गया एक। कोई बात नहीं, लेकिन 6 तो अंदर है ना, है ना? ऐसे तो आप आधा भी खत्म करेंगी तो दुखी रहेंगी। तो आदमी को संतुष्ट होना चाहिए और अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने 6 लिया। अभी हम बुलाएंगे हमारे डायनामिक सबसे उमदा खिलाड़ी कमलेश जी के। कमलेश जी आइए। ईस्ट और वेस्ट, कमलेश जी इज द बेस्ट। और कमलेश जी आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बहुत बढ़िया, क्या बात है कमलेश जी। अरे बाप रे, माय गॉड, बाप रे बाप, क्या अद्भुत खेल रही हैं। कमलेश जी की परफॉर्मेंस देख के मन करता है बस हाथ जोड़ के खड़े रहिए इनके सामने। वाह कमलेश जी, हमार नजर लग गए का। ना 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 ना, इसे ना हो सकेला। बचवा के नजर कबू ना लगेला। समय समाप्त। आइए कमलेश जी, मैं आपका बच्चा हूँ। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा नजर आपको लगेगा? नहीं कभी नहीं, मेरे को किसी की नहीं लगती है। देखिए ऐसा कहता है, टफ। तो आइए देखते हैं कि कितना आपने जमा किया है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 जोरदार तालियां। तो कमलेश जी ने तो 6 कॉटन बॉल्स को पहुंचाया। अब देखना यह है कि प्रीति जी का करते हैं। प्रीति जी आइए। प्रीति जी आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है, ये भी छोड़ने वाली नहीं है। प्रीति जी भी प्रीति जी हैं। फिफ्टी सेकेंड हो गए हैं। वेरी गुड। और ये कर रही हैं कुछ कमाल।
टाइम अप प्रीति जी, आइए देखते हैं प्रीति जी ने कितने कॉटन बॉल्स को पहुंचाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चारों मेम साहब ने बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन किसको कितने मार्क्स मिले हैं आइए जानते हैं। तो पूजा जी आपको मिले हैं 6, मधु जी आपको मिले हैं 12, कमलेश जी आपको भी मिले हैं 12, और प्रीति जी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मिला है 16। और इसी के साथ प्रीति जी आप बन गई हैं इस गेम की विजेता, और मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रेस। थैंक यू सो मच सर। तो प्रीति जी ने तो बाजी मार ली है, तो पहला राउंड हो गया, बात समाप्त। अक्ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हुआ है तो लोग कहने लगते हैं अक्ल वाले के भैंस, और अगर कुछ सही हुआ तो उसे लोग क्या कहते हैं आपको पता है? नहीं, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, स्मार्ट मेम साहब। तो हमारी चारों मेम साहब तैयार हैं? यस। मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। अब देख रहे हैं कि ये है पार्ले मजेलो फ्रूट जेली व्हील, मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको इस एरो को घुमाना है। ये एरो जहाँ रुकेगा, जैसे अगर ये खेल खिलाड़ी में रुक गया या पहले की सहेली में रुक गया, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा पहेली, ये जिस टॉपिक पे रुकेगा मैं उस टॉपिक से संबंधित सवाल आपसे पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं पूजा शर्मा जी को। आइए पूजा जी। जी पूजा जी घुमाइए। पहेली की सहेली आप इधर आके खड़े होइए। आपका पहला सवाल है, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। टकला। गलत जवाब, टकला नहीं, नारियल। अब दूसरा सवाल पूछेंगे पहेली का, तो ध्यान से सुनिएगा। कारी थी कजरारी थी, काले वन में रहती थी, चटक चुम्मा लेती थी, लाल पानी पीती थी। मोर। गलत जवाब, बालों में निवास करने वाली जू। मैंने आपसे दो सवाल पूछा था, दोनों गलत हो गए, कोई बात नहीं। आइए तो आइए बुलाते हैं मधु यादव जी को। आइए मधु जी। पहले की सहेली। तो पहले की सहेली का पहला प्रश्न है, हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग का है दुशाला, जब तक जाती हूँ मैं तो हरे रंग की टोपी लाल रंग का होता दुशाला, मेरे पेल में रहती मोती की माला, नाम जरा मेरा बताओ मेरे लाला। माला। गलत जवाब, हरी मिर्ची। चलिए कोई बात नहीं मधु जी, दूसरा सवाल। बिन बताए रात को आते हैं, बिन चोरी किए गायब हो जाते हैं, बताओ तो क्या है? सपना। गलत जवाब, तारे। खैर हमने आपसे दो सवाल पूछे थे पहली के, दोनों गलत निकले। आइए फिर बुलाते हैं कमलेश जी को। कमलेश जी आइए। ओ बाप रे, क्या घुमाया है। पहेली की सहेली। तो आपसे मेरा पहला सवाल है पहेली की सहेली का। मुर्गी अंडा देती है
और गाय दूध देती है, पर कौन है जो अंडा और दूध दोनों देता है? अंडा और दूध बेचने वाला। सही जवाब। आपके लिए दूसरा सवाल है। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे काले। बैगन। गलत जवाब, छोटी इलायची। हाँ, यस। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे, उसमें से एक का आपने सही जवाब दिया। आइए, आइए प्रीति जी। घरेलू नुस्खे। तो प्रीति जी, घरेलू नुस्खे में से आपके लिए पहला सवाल है, आमतौर पर दांतों के दर्द को दूर करने के लिए किस मसाले का तेल उपयोग में ला सकते हैं? लौंग का। सही जवाब। दूसरा सवाल, आमतौर पर नारियल के तेल में किस चीज का रस मिलाकर लगाने से बालों के टूटने या गिरने की समस्या कम हो जाती है? नींबू। सही जवाब। वाह, बहुत बढ़िया। आइए, प्रीति जी ने कमाल कर दिया, फिर से इस राउंड में दो सवाल का दोनों का सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो हमारी चारों मेम साहब ने बहुत अच्छे से खेला है, लेकिन किसे कितना मार्क्स मिला है बताते हैं, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चारों मेम साहब ने बहुत अच्छा खेला अपने हिसाब से, और मैं बता दूं, जो विजयी होंगी वो जीत जाएंगी ये इलेक्ट्रिक कुकटॉप। पूजा जी, आपको मिला है जीरो। मधु जी, आपको भी मिला है जीरो। कमलेश जी को मिला है 5। प्रीति जी फिर से जीत गई हैं। ये लीजिए प्रीति जी, इलेक्ट्रिक कुकटॉप आपके लिए है हाजिर। वाह, कमाल कर दिया यार प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। तो वीकली महा मुकाबला में अब मेम साहब लोग झूम के नची हैं और सबके नचई हैं। काहे की बाजी वीकली मेम साहब नंबर 1 के बाद। ताई शुरू करल जाओ अगला राउंड, जेकर नाम बा कमरिया लचके रे। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं पूजा शर्मा जी को, आइए। चमके तू ले आ दे मैनू गोल्डन।
बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। आइए तो आइए बुलाते हैं मधु यादव जी को। आइए मधु जी। बदी हो ना ये राजा सवती निया के ना, दिल बदी हो ना ये राजा सवती निया के ना। दी हमल मानिया चाहे दी हो पाया जनिया को लजी निया के ना, दिल बदी हो ना ये राजा सवती निया के ना, दिल बदी हो ना ये राजा सवती निया के ना। हमारे भैया तो ऐसा कभी जिंदगी में ही नहीं करेंगे। जब हमारी मेम साहब इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी टैलेंटेड है, तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी आपने बहुत अच्छा डांस किया। आई तो आइए अभी बुलाते हैं कमलेश मल्होत्रा जी को। आइए कमलेश जी। आपकी तो जितनी तारीफ करूं कम है। इस उम्र में ये एनर्जी, भगवान, ये जोश, ये जज्बा, काबिले तारीफ कैसे होता है ये समझ में नहीं आ रहा। इतना बढ़िया आप कैसे कर लेती हैं भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। आइए
तो आइए अभी बुलाते हैं कमरिया लचकाने के लिए प्रीति सिंह जी को। आइए प्रीति जी। बढ़िया डांस किया प्रीति जी आपने। ये गाना भी मेरा फेवरेट है, देवी जी का गाना है। और देवी जी तो हमारे बिहार की शान है, क्या गायिका हैं। और आपने बहुत ऊंदा परफॉर्मेंस दिया। हम तो बस तैयारी करते हैं, बट आपके आने से एनर्जी डबल हो जाती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। आइए कभी मेमसाब ने अपने डांस का जलवा दिखा दिया भाई, जितना तारीफ करे कम है। तो आइए देखते हैं के कौन मैम साहब को मिलल बा खतरा मास। मास हमरा पास आ गए बा। तो पूजा जी आपको मिले हैं 5 मास। मधु जी आपको मिले हैं 7 मास। कमलेश जी आपको मिले हैं 6 मास। और प्रीति जी को मिले हैं 8 मास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे भी राउंड्स में आप लोगों को खेलना है, और इस राउंड की विजेता हैं प्रीति जी। बधाई हो आपको। मेम साहब भी हैं, साथी भी हैं। तो आइए ना शुरू करते हैं हमारा राउंड। साथी हाथ बटाना। तो चारों मेम साहब और उनके साथी आ गए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारी मेम साहब लोग अपने साथियों का इंट्रोडक्शन दें। पूनम जी। मेरे साथ मेरे पति आए हैं, दीपक शर्मा जी। दीपक जी आपका स्वागत है। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कैसा फील हो रहा है? महा मुकाबला हो रहा है क्वार्टर फाइनल के लिए। हेजिटेशन हो रही है। आपको 7 बराबर देना, आपने पहले भी 7 दिया था तो यहाँ पहुंची थी। थैंक यू सर। मधु जी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरे साथ मेरे पति आए हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ भैया नमस्कार। नमस्ते। सिद्धार्थ भैया पहले भी आपने मधु जी का साथ दिया था, अपनी जी पत्नी जी का, और अच्छा साथ दिया था, इसलिए वो इस यहाँ तक पहुँची हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप आज भी अच्छा साथ देंगे ताकि एक क्वार्टर फाइनल में जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम है कमलेश, ये मेरे पति हैं, इनका नाम है सुनील मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब को कौन नहीं जाता है, ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। थैंक यू। मल्होत्रा जी क्या कहेंगे आप अभी
क्वार्टर फाइनल के लिए हम लोग एक्चुअली इंजॉय करने आए थे और हमें यहाँ आके आपसे मिलके और लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने सेट देखा और मैं आपको आपकी पिक्चर भी देखा करता था, तो मैं भोजपुरी पिक्चरों का ज़्यादा वो। प्रीति जी आपके साथ कौन आए हैं? ये मेरे भाई हैं राज सिंह। राज सिंह जी कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ के पूरा साथ दीजिएगा? बहुत कोशिश रहेगा सर साथ देने के लिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको गेम कैसे खेलनी है। यहाँ है ये दो टोकरी, ये और ये। मेम साहब टोकरी के अंदर रहेंगी या वो टोकरी के बाहर भी वो कर सकती हैं, मर्जी है कि आप दोनों कौन कैसे कंफर्टेबल आप लोग खेल सकते हैं। तो एक को टोकरी के अंदर खड़े रहना है, जैसे समय स्टार्ट होगा तो जो साथी है वो इमीडिएटली बलून जो है जो अंदर टोकरी में खड़े हैं या खड़ी हैं उनको दे देंगे, और जो बाहर साथी हैं जो टोकरी के बाहर है उनका ये काम है कि टोकरी की मदद से ब्रिज बना बना के, मतलब ये टोकरी फिर पैर रखा, फिर इस टोकरी को आगे लिया, फिर आप आगे बढ़े, फिर ये टोकरी आई, तो ऐसे ब्रिज के सहारे से आपको इस बलून को उस बास्केट में पहुंचाना है और फिर उसी तरह से आना है और फिर जाना है, समझ गए? तो आइए गेम खेलने के लिए हम सबसे पहले बुलाएंगे पूजा जी और उनके हस्बैंड को। तो आप दोनों तैयार हैं? यस सर। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही तो मियां बीबी जो होती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के काम आते हैं, बड़ा अच्छा। चल 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 चल। वेरी गुड, चलिए दो तो चला गया। 60 सेकंड तक आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। जल्दी 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 जल्दी। आइए, आप देख सकते हैं कि दो बलून इन्होंने पहुंचाया है, जोरदार तालियां। आइए तो आइए बुलाते हैं मधु यादव जी को और उनके हैंडसम हस्बैंड को। आइए सिद्धार्थ जी। तो मधु जी और सिद्धार्थ जी तैयार हैं? आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वेरी नाइस, संभालते हुए, कभी कभी टोकरी फिसल जाती है तो ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, टन टन टन, वेरी गुड, वेरी गुड। हम खुश हुए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समय समाप्त हो गया है, रुक जाइए सर, आ जाइए मेरे पास। जोरदार तालियां मधु जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, बहुत अच्छा साथ दिया, दोनों ने दो बलून्स को पहुंचाया है, अच्छा खेले हैं हम। आइए और आइए अब बुलाते हैं जो सबसे यंग जोड़ा है यहाँ पे, कमलेश जी और मल्होत्रा जी को। आइए तो कमलेश जी और मल्होत्रा जी दोनों तैयार हैं? आप दोनों का समय शुरू होता है अब। यस आंटी, गो गो गो, माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेचैन को कैसे आराम दूं? आप दोनों दूल्हा दुल्हन और सबसे नौजवान है, जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दोनों आज दूल्हा दुल्हन की तरह लग रहे हैं। मैं बता दूं कि 3 बलून इन्होंने पहुंचाया है जो कि रिकॉर्ड है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई पहुँचा पाया है 3 बलून। 2 में ही सबकी सांसें फूल गई थी यंग लोगों की,
पहली बार ऐसा हुआ है किसी दूल्हे को दुल्हन इस तरीके से लेकर आई है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो मैं क्या करूं? ये रवा सबके प्यार बा, रवा सबके दुलार बा, कि ए बुढ़ापा में भी बुझाता के जवानी आ गई बा। ना 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 ना। जवानी में भी इतना जवानी ना हो खेला। हम यह कहब कि भगवान के बहुत कृपा है आप दोनों पे, तो जोरदार तालियां दोनों के लिए। आइए सर। तो कमलेश जी ने और मल्होत्रा जी ने तो कमाल कर दिया, तीन बलून एक साथ पहुंचा दिया, जो कि अब तक नहीं हुआ। और अभी बारी है प्रीति जी की और उनके भाई की, तो आइए देखते हैं वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं। आइए प्रीति जी। हाँ जी। तैयार हैं जी? मित्र आप तैयार हैं? आप दोनों का समय शुरू होता है अब तक। और जल्दी। हमारे चारों मेमसाब और चारों उनके साथियों के लिए जोरदार ताली। सभी ने अपना दमखम दिखाया। प्रीति जी भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन प्रीति जी जो चार बलून जो हमने देखा और हमारी टेक्निकल टीम ने ये नोटिस किया, आपके कंपटीटर जो वहाँ पे हैं पूजा जी, उन्होंने भी नोटिस किया, और उनका नोटिस करने का आवाज सबसे पहले आया, हमारा कान खड़ा हुआ, हम टेक्निकल टीम से पूछा तो पता चला कि दो तीन बार जो आप यहाँ से लेकर गई हैं टोकरी, उसमें डिस्टेंस था, और हम बहुत डर गया हूँ। अब बहुत खतरनाक नारी ब्या, बहुत गुस्सा वेला उनका क्या, तो हम रिस्क ना ले। ठीक बनो? ठीक बा। वो भी हमारी मेम साहब हैं, आप भी हमारी मेम साहब हैं, गेम फेयर होना चाहिए। बिल्कुल सर। प्यार तो मैं सबसे करता हूँ। तो आइए मैं गेम के फाइनल मार्क्स बता देता हूं। इस राउंड के पूजा जी को मिले हैं 4, मधु जी को मिले हैं 4, कमलेश जी को मिले हैं 7, और प्रीति जी आपको मिले हैं 6। तो कमलेश जी और मल्होत्रा जी इतने अच्छे से खेले हैं कि उसमें जरा भी डिस्टेंस नहीं था। और कमलेश जी इसलिए, देखिए बहुत ठंड का महीना है, पानी बहुत ठंडा ठंडा निकलेगा, यही खातिर बिग गंगा डिसाइड कर लेवा आपके देवे के गीजर। अरे बधाई हो, बधाई हो मल्होत्रा जी, बधाई हो, क्या बात है। तो कमलेश जी ने जीत लिया है गीजर, और इसी के साथ ये राउंड समाप्त हो जाता है। और अब बारी आ गई है वो मेम साहब के नाम की घोषणा करने की, जो यहां जीतने के बाद सीधे पहुंच जाएंगे क्वार्टर फाइनल में। कौन है वो, चलिए देखते हैं। पूजा जी आपको मिले हैं 15 मार्क्स, मधु जी आपको मिले हैं 30, कमलेश जी आपको मिले हैं 30, और प्रीति जी, क्या प्रीति जी बहुत डराते हो आप, क्यों इतना मेहनत करती हैं कि आप जीत गए हैं, आपको मिल गया है 40 मार्क्स, और आप जा रही हैं सीधा क्वार्टर फाइनल में। हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। आइए इधर आइए, आप भी आइए। तो प्रीति जी आप बन गई हैं पार्ले मजेलो फ्रूट जेली मेम साहब नंबर 1, और आप सीधा जा रही हैं क्वार्टर फाइनल में।
और आपको पार्ले मजेलो फ्रूट जेली की तरफ से मिल रहा है शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए पार्ले मजेलो फ्रूट जेली जोन में मेरे साथ आइए। बहुत बहुत बधाई है प्रीति जी, ये अनोखे राउंड्स खेल के आपने जीत लिया है ये गिफ्ट हैम्पर। जीत के मजे लीजिए पार्ले मजेलो फ्रूट जेली के साथ। आइए और प्रीति जी, यही नहीं आप सुरक्षित हो गई हैं, तो डाबर रेड पेस्ट सुरक्षा क्षेत्र में जाके बैठिए और क्वार्टर फाइनल की तैयारी कीजिए। यस सर। ठीक है तो जाइए। क्या बात। मेमसाब सीजन 8 के आज के वीकली महा मुकाबला में मिल गए बाड़ी वीकली मेमसाब नंबर 1। अगला हफ्ता होली के रंग में रंग जाई मंच। लगातार 5 दिन मनी होली के जश्न, होली के उल्लास, होली के हुड़दंग के साथ मची बिग मेमसाब के मनोरंजन से भरपूर दंगल। आज के लिए बस इतना ही। अरे भैया अपनी विनय आनंद के निविदा और देखल ना भूली पार्ले मजेलो फ्रूट जेली बिग मेमसाब सीजन 8 एग्जीबिटेड बाय डाबर रेड पेस्ट। और हाँ, जे करे के होई करी, लेकिन अपन माई बाबूजी के परेशान मत करी, उनकर सेवा करी और आशीर्वाद ली जी। गुड नाइट, शबक है। आइए।